हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे आलू के बहुत ही चटपटे और क्रिस्पी सैंडविच। आप देख सकते हैं हमारे सैंडविच कितने क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बने हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे बच्चे हफ्ते में 2 से 3 बार इसको लंच में बनवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। आप इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू, मैंने छिलके निकाल के मैश करके रख लिए थे, और उसके साथ डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। टमाटर ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली थी। थोड़ा धनिया डालेंगे, साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और उसके साथ डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सैंडविच में। उसके साथ ऐड करेंगे चाट मसाला 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे। इससे बहुत ही चटपटे बनेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आलू में हमारे सारे वेजीज और स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। और अब हमारी स्टफिंग बनके बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। यहाँ मैंने फ्रेश ब्रेड ले ली है। अब इसमें स्प्रेड करेंगे टोमेटो केचप। फ्रेंड्स, ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने टोमेटो केचप स्प्रेड किया है। आप इसके अलावा चटनी कोई भी लगा सकते हैं। और उसके साथ ही हमारी स्टफिंग की लेयर लगाएंगे। उसके बाद दूसरी ब्रेड लेंगे और उसमें फिर से टोमेटो सॉस लगाएंगे और अगला पार्ट चिपका देंगे। इसी तरह मैंने दोनों बना के रेडी करके रख लिए हैं। अब इनको सेकेंगे। मैंने तवा को गर्म होने रख दिया था। अब इस पर लगाएंगे थोड़ा सा घी। आप बटर या ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बच्चों के लिए घी ज़्यादा बेटर रहता है। और इस पर रख देंगे हमारी तैयार सैंडविच, और इसको ऊपर से थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से पूरे में। और घी स्प्रेड करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करते हुए सेक लेना है। प्रेस करने से हमारा सैंडविच अच्छी तरह से क्रंची क्रंची सिकता है और अच्छे से चिपक जाता है। और दोनों साइड से अच्छी तरह से इसी तरह घी लगा के सेक लेंगे। घी लगाने से हमारा सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी सिकता है और क्रंची बनता है। इस तरह से दोनों साइड से प्रेस करते हुए सेक लेंगे पलटते पलटते हुए। आप देख सकते हैं हमारे सैंडविच में कितना अच्छा कलर आ गया है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। एक बार आप मेरे बनाए हुए तरीके से ज़रूर बनाकर देखें। इस तरह से स्टफिंग बना के और इस तरह से ज़रूर बना के देखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। आप देख सकते हैं हमारा सैंडविच बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरा भी सिकने के लिए रख दूंगी, और इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देख सकते हैं आप हमारा सैंडविच अच्छे से बन गया है। इसी तरह मैंने दूसरा भी अच्छे से सेक लिया है। फ्रेंड्स, अब हमारे सैंडविच को कट कर लेते हैं। मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। इसको ट्रायंगल शेप में भी कट कर लेंगे और इस तरह से भी कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी स्टफिंग अच्छे से पूरे में फैल गई है और बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गया है। और दूसरा भी मैं कट कर लूँगी, और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बना है। एक बार आप इस तरह से ज़रूर बना के देखें, बहुत टेस्टी बनते हैं। और आप इसको मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व कर दिया है, और हमारे सैंडविच बहुत टेस्टी बने हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। राधे राधे।